हेलो व्यूअर्स, वेलकम एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका स्केडी और रामपुर रह गया है 20 किलोमीटर। रामपुर एक हिंट है नेशनल हाईवे 9 पर और ये एक टोल आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस टोल के 10 या 11 किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर एक बहुत बड़ा कट आएगा, फिर वहां से रामपुर होते हुए हल्द्वानी और काठगोदाम। तो काठगोदाम जो है लास्ट स्टॉप है फ्लैट हाईवे पर, उसके बाद सारा पहाड़ शुरू हो जाता है। मेरी फ्यूल रेंज है अभी 70 किलोमीटर। मोस्ट प्रोबेबली मैं रामपुर में पेट्रोल एक बार फ्यूलिंग करवाऊंगा और उसके बाद काठगोदाम में। वैसे मैं हल्द्वानी और काठगोदाम तक भी ले जा सकता हूं, बट रिस्क लेने वाले कोई मतलब ही नहीं बनता। और अभी मैंने नाश्ता पीछे कर लिया था, पराठे वाला ढाबा था यहाँ पर एक, और अब तो इस हाईवे में बर्गर किंग, डोमिनोज पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड और कैफ़े कॉफ़ी डे और ये सब चीज़ें खुल गई हैं। 2016-15 में लास्ट यहाँ आया था, उसके मुकाबले हाईवे अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब तो फास्टैग भी आ गया है यहाँ पर और हम इसमें देख रहे हैं। 3-4 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो इस पर एक भी टोल नहीं था, और अब कई जगह फ्लाईओवर बन गए हैं और रास्ता बहुत बढ़िया हो गया है। कुछ स्ट्रेस थोड़ा ख़राब है लेकिन वो चलता है। इतना अगर इंडिया के हाईवे साफ़ हो गए तो फिर हमें लगेगा हम फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। एनी हाउ, और बीच में एक जगह, जैसे मैं आपको बताता ही हूँ कि सामान हमेशा चेक करते रहना चाहिए। घर से निकलते ही मैंने दिलशाद गार्डन क्रॉस किया ही होगा, और दिलशाद गार्डन भी मैं अगर गलत कह रहा हूँ हापड़ रोड पे, यानी कि घर से कम 70-80 किलोमीटर दूर। मैंने रोप चेक करी तो पता चला कि मेरी रोप ही निकल गई है और वो पीछे वाले स्प्रॉकेट सेट में उलझ गई है। खुदा ना खास्ता कि जो बंजी कॉर्ड का हुक होता है, जो लोहे का होता है, वो मेरे स्प्रॉकेट सेट में नहीं उलझा, वरना पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। एनी हाउ, रस्सी थोड़ी सी कट गई है लेकिन काम चल जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रस्सी यहाँ से कट गई है पूरी। और अब थोड़ा सा मैं ध्यान चल रहा हूँ। अब मैंने अपने बंजी कॉर्ड को थोड़ा अलग तरीके से बांधा है, ये देखिए। तो पहले मैं पिलियन राइडर के जो साइड स्टैंड होते थे, सपोर्ट स्टैंड, मैं पहले उस पर कॉर्ड को बांधा करता था, बट थोड़ा सा मैंने रूटीन चेंज करा है अपना। अब इसके अलावा और कुछ ख़ास बात बताने को है नहीं। जो गूगल मैप पर रामपुर रोड से दिखाएगा, आप उस रामपुर से ना जाएं। थोड़ा सा हल्का सा लंबा पड़ेगा लेकिन अब उतना आप मेन हाईवे जो NH9 है उस पर कवर कर लेंगे। तो गूगल मैप और माई ट्रैक्स पर दो अलग अलग रूट हैं। माई ट्रैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी राइट के रोड को सेव करता है टाइम टेकन और किलोमीटर ट्रैवल, तो गूगल को मैंने फॉलो नहीं किया। मैं 3-4 बार यहाँ आ चुका हूँ इसलिए मैंने जो मेरा रूटीन रूट है मैंने उसी को फॉलो किया। हो सकता है मैं आते वक्त एक बार वो नया रूट भी चेक कर लूँ कि हो सकता है वो रूट इससे ज़्यादा बेटर हो, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने पुराने रूट से ही जा रहा हूँ। और एक बार मैंने जो है कुप्पी डाल ली है, एक बार